वेलकम टू एग्जाम क्रैकर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं द नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। ओके, ये लेसन डिस्क्राइब करूंगा मैं और मेरा नाम है कुमार सतिन। हाल में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पेश किया गया संसद में, तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, क्या गवर्नमेंट करना चाहती है, उसके उन सब के बारे में हम जानेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 जो आया है वो क्या करेगा, द बिल सीक्स टू रिपील द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एंड प्रोवाइड फॉर अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम विच एंश्योर्स। मेडिकल जो काउंसिल एक्ट 1956 है उसके स्थान पर ये बिल लाया गया है और ये बिल एंश्योर करता है, क्या क्या काम करेगा, ये हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होंगे, हाई क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स ये अवेलेबल कराएगा। अडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये जो मेडिकल प्रोफेशनल होंगे ये लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च को अडॉप्ट करने वाले होंगे, मतलब ये कि इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का ज्ञान होगा इनको। पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह होंगे, उनका समय समय पर आकलन किया जाएगा, उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या है इनका ध्यान रखा जाएगा। एन इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और एक प्रभावकारी जो एक सॉल्यूशन होगा, रिड्रेसल होगा ग्रीवेंसेस का, समस्याएं अगर कोई आती है तो उनका टाइमली उनको रिड्रेस करने के लिए एक मैकेनिज्म रखा जाएगा, ठीक है। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 में होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन, वही जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनने वाला है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो कैसा होगा। द बिल सेट अप्स द नेशनल मेडिकल कमीशन विद इन 3 ईयर द पासेज ऑफ द बिल। ये बिल कहता है कि जब बिल पास हो जाए उसके 3 साल के भीतर भीतर ही नेशनल मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल कमीशन बन जाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी वो अपने राज्यों में स्टेट मेडिकल काउंसिल का गठन करेंगी स्टेट लेवल पर। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन होगा इसमें 25 मेंबर होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, ए सर्च कमेटी विल रिकमेंड नेम्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड द पार्ट टाइम मेंबर्स। एक सर्च कमेटी होगी, वो सर्च कमेटी मेंबर्स के नाम सजेस्ट करेगी, विल रिकमेंड नेम्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपने हमने ये देखा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट 25 मेंबर्स को अपॉइंट करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी तो नाम कहीं से आए ना, तो उसको नाम देने का काम करेगी एक सर्च कमेटी, ठीक है। These posts will have a maximum term of 4 years, और ये जो post होंगी इनका maximum term होगा 4 साल का। The search committee will consist of 7 members, including the cabinet secretary and 3 experts nominated by the central government office, who will have experience in medical field. जो सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो कि रिकमेंड करेगी नामों को, तो उसमें वो उसमें 7 members होंगे, 7 members में एक कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और 3 experts होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें से 2 experts मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है नेशनल मेडिकल कमीशन का। नेक्स्ट कि जो मेंबर्स ऑफ द एनएमसी विल इंक्लूड, कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन होगा उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, आपने बता दिया कि 25 सदस्य होंगे, तो उसमें कौन कौन होंगे, उसमें चेयरपर्सन होगा, उसमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन होंगे, द प्रेसिडेंट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन होंगे। ये दोनों बोर्ड एनएमसी जो है उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन जो बिल आने वाला है इसके बाद बनने वाले हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज जो है उसके डायरेक्टर जनरल होंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR है उसके डायरेक्टर जनरल होंगे, और 5 member पार्ट टाइम होंगे जो कि इलेक्ट किए जाएंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, उन अमंगस देमसेल्व्स अपने बीच से ही वो सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड रीजनल कंस्टिट्यूएंसीज अंडर द बिल। जो रीजनल कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके आधार पर कि भाई इस क्षेत्र से इतने हो गए, इस क्षेत्र से इतने हो गए, तो उनमें ऐसे 5 member मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होंगे, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं हाल में, तो उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, 5 member ऐसे होंगे। तो ऐसे ये सदस्य होंगे नेशनल मेडिकल कमीशन में। अब
थंक्शंस ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन कि भाई राष्ट्रीय जो मेडिकल आयोग है वो जो बनने वाला है चिकित्सा आयोग, तो उसके कार्य क्या क्या होंगे। फंक्शंस ऑफ द एनएमसी इंक्लूड कि इसके कार्य होंगे, पहली बात फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। ये मेडिकल संस्थानों और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए क्या बनाएगा, नीतियां बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आकलन करेगा हेल्थ केयर के लिए कि भाई इस मेडिकल क्षेत्र में आप कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितने लोग अभी जरूरत है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है, इस सब की भी ये रिक्वायरमेंट का आकलन करता रहेगा। एंश्योरिंग कंप्लायंस बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ऑफ द रेगुलेशंस मेड अंडर द बिल। ये जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो है एंश्योरिंग कंप्लायंस बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल्स ऑफ द रेगुलेशंस मेड अंडर द बिल। अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल्स जो है वो कोई कंप्लायंस करती है तो उसको एंश्योर करने का काम इसके पास होगा कि भाई कुछ अनुकूलताएं ऐसी होंगी जिनको एंश्योर किया जाएगा इस बिल के द्वारा, इस नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। चौथी बात, framing guidelines for determination of fees for up to 40% of the seats to the private medical institutions deemed universities which are regulated as per the bill. जो private medical college हैं, जो जैसे medical college की जो 40% सीटें होती हैं, उनमें जो 40% सीटें हैं, उनमें जो private medical institutions हैं या deemed university हैं, उनमें फीस क्या रखी जाए, इस फीस का निर्धारण भी या फिर इसके लिए गाइडलाइंस बनाने का जो काम होगा कि भाई किस बेस पर फीस रखेंगे, इसका काम भी कौन करेगा, ये नेशनल मेडिकल कमीशन ही करेगा। तो इसके ये चार काम आपको बताए मैंने, पहला काम की पॉलिसीज बनाना, दूसरे काम की ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट कराना, और स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है उनका भी ध्यान रखना कि वो किस प्रकार के कंप्लायंस मांग रही है। चौथी बात की भाई जो 40% सीट है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस या डीम्ड यूनिवर्सिटीज को दी जाने वाली हैं, तो उनके उनकी फीस क्या होनी चाहिए, उनके लिए गाइडलाइंस बनाना, ठीक है। अब मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनने वाली है। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल क्या होगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी। द काउंसिल विल बी द प्राइमरी प्लेटफॉर्म थ्रू विच द स्टेट यूनियन टेरिटरीज कैन पुट फॉर देयर व्यूज एंड कंसर्न्स बिफोर द एनएमसी। भाई जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो मैंने आपको बताया कि जो मेडिकल कमीशन होंगे स्टेट के, स्टेट मेडिकल काउंसिल होगी, तो वो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल की मध्यस्थता कराकर नेशनल मेडिकल काउंसिल तक अपनी बातें पहुंचा सकती हैं, अपने व्यू, अपनी चिंताएं, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकती हैं मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से। फर्दर द काउंसिल विल एडवाइज द एनएमसी ऑन मेजर्स टू एनेबल इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकल एजुकेशन। और ये जो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी ये एनएमसी को विभिन्न मेजर्स पर जो वो सजेशन भी देगी कि भाई ऐसा कीजिए, एडवाइस भी करेगी नेशनल मेडिकल कमीशन को, ये मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस बॉडी बनेगी, ऑटोनोमस बोर्ड बनेगी इसमें कई, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा, ठीक है, और मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड होगा MARB जो कि भाई असेसमेंट करेगा कि भाई स्टैंडर्ड पर चल रहे हैं कि नहीं यूनिवर्सिटीज। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा कि भाई जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए एथिक्स का निर्धारण किया जाए, उनके लिए जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है उसके बेस पर उनकी नैतिक संहिता का ध्यान रखा जाए, तो इसके लिए ये अलग से बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। अगली बात ये है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम कितने होंगे, तो ये बिल ये कहता है कि दो तरीके के एंट्रेंस एग्जाम होंगे। एक यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होगा आपको जो देना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने के लिए, सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का ये एक एग्जाम होगा। और एनएमसी जो होगा वो इस एग्जाम का मैनर डिसाइड करेगा कि भाई किस प्रकार का ये कॉमन काउंसलिंग कराई जा रही है, ये एडमिशन किस तरह से लिए जाए, किस प्रकार का एग्जाम लिया जाए, ठीक है। एक नेशनल लाइसेंसिएट एग्जाम होगा जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है अपनी, वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशन टू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर प्रैक्टिस। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो वो आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक लाइसेंसिएट
लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन होगा नेशनल लेवल पर, और ये नेशनल लाइसेंसिएट एग्जाम जो होगा ये विल आल्सो सर्व टू बेसिस फॉर एडमिशन इनटू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। विद्यार्थियों के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के पीजी कोर्सेज में दाखिले करने के लिए भी एक एक, एक माध्यम होगा, एक दरवाजा होगा। ठीक है, तो दो प्रकार के एग्जाम कंडक्ट होंगे, एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल होगी, ये भी एडमिशन ऑटोनोमस बोर्ड बनेंगे जिनमें यूजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड हुआ, पीजी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड हुआ, मेडिकल असेसमेंट बोर्ड हुआ, रेटिंग बोर्ड हुआ, द एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड हुआ, या फिर मेंबर्स ऑफ द एनएफसी विल इंक्लूड, जो मेंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ द नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो एनएमसी होगा उसके कार्य क्या क्या होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।